महसूस का कर रहे हैं, अच्छी बात है कि जो आज यहाँ तक आए गए हम। हाँ, छप्पड़ पर हो, बारिश हो तो हम बड़े परेशान हैं। गैस नहीं है, भरी हुई नहीं है, पैसा की परेशानी है। वैसे ऐसे ही पढ़ते थे हम भी, ऐसी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और क्या किसान हैं, आदमी हैं, हम क्या कर सके हैं। बस इतनी हमने मेहनत मजदूरी करके हम यहाँ तक लाए। कि बारिश के मौसम में भी आप इसी छप्पड़ के नीचे खाते हैं? हाँ, इसी छप्पड़ के नीचे खाना बना रहे हैं। पवन भी यही पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, क्या दिनचर्या थी पवन की, कुछ बताइए। क्या दिनचर्या थी, कैसे पढ़ते थे? बस ऐसे ही पढ़ते थे, का नाम है, अपने शांति माहौल में और अपनों शांति रखे घर में, वो पढ़ता रहता था। आपके यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है, ना लाइट चली कुछ जाती नहीं होगी, है, तो फिर कैसे पढ़ाई करते थे? मोबाइल से ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। उसकी मेहनत पढ़ाई लिखाई की, और हमारे उसका सहयोग, परिश्रम करके उसको पैसा धेला देने के, और अपनी स्थिति के आधार के मुताबिक बड़ी मेहनत करने के बावजूद उसको हमने यहाँ तक पहुँचे लेके। उसकी मेहनत जैसे भी रिजल्ट आया वो सब आपके सामने है। बड़ी मेहनत मजदूरी करके, ना किसान ना मजदूर, जो दो चार बीघा बारो ना किसान है ना मजदूर है। जैसे जैसे समय पड़ता रहा वैसे उस कहीं मेहनत करनी, कभी खेती में लगना, उसको हम पढ़ाई के लिए खर्चा पानी देते रहे। काफ़ी प्रयास के साथ साथ उसको हम पैसा दे के इकट्ठा करके उसको जो करते रहे खर्चा पानी, और बच्चों को लड़कियों को पढ़ाया। घर पर गौर नहीं करी हमने बच्चों को पढ़ाने की वजह से। जब बारिश हुई तो पूरी पूरी रात लेकर जाई हम एक जगह बैठ जाए सगरे परिवार के शुक्र के। मैंने कि बेटा देखियो हमारी क्या स्थिति है, बोले पापा नहीं मुझे पढ़ना है, ये सब बात की बात है, जो होगा स्थिति में। पूरी पूरी रात लेकर जाए हम एक जगह बैठ जाए, कहीं बैठने को जगह, सोने को नहीं, भूखे प्यासे रह के उनको मेहनत मजदूर करके हमने उनको पढ़ाया बच्चे को। यहाँ खुश हैं आज? हाँ, परमात्मा ने बच्चे की और हमारी मेहनत और बस्ती की सबकी दुआ। सर वो ऐसा ही है कि हम सब शांति माहौल में रहते थे, उसे शांति पसंद थी, और हम उसने छप्पड़ में रह के पढ़ाई करी, और कभी लाइट भी चली जाती थी तो वो डिबिया से पढ़ता था, डिबिया जला के। जी सर, मजदूरी करते हैं या फिर किसी की कोई काम मिल जाता तो उसे भी कर लेते हैं, हम सब खेती बाड़ी यही करते सर। जी सर, आप देख रहे हो कि हमारे छप्पड़ पड़ा हुआ है, और हमारे लिए, हमारे रहने के लिए घर भी नहीं है ढंग से, और बारिश बारिश आ जाती है तो हम सब एक खाट पे चारों पांचों सब बैठ जाते हैं, और कभी छप्पड़ भी टपकता है, छप्पड़ टपकता है तो हम सब बर्तन वर्तन रख के ऐसा मतलब सामान को बचाते हैं, और उस तरीके से उसने पढ़ाई की। ऐसे माहौल में कैसे पढ़ाई करते थे सर? बस उसकी मजबूरी थी कि हमारे पास घर नहीं था, तो उसने उस माहौल में पढ़ाई की। सर उसे मोबाइल की ज़रूरत थी, उसने पापा से बोला कि मुझे फ़ोन चाहिए। पापा ने काफ़ी मेहनत की और हम सब ने भी मेहनत की फ़ोन दिलाने के लिए, और उसको काफ़ी मेहनत के साथ हमने पैसा कमाया फ़ोन के लिए, और उसे फ़ोन दिलाया फिर।